मधुबनी जिले के जयनगर में वामपंथी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान बिल के विरोध में पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों की उचित मांगों को पूरा करना चाहिए। जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में किसानों के समर्थन में विरोध मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि इस विरोध मार्च की अगुवाई स्थानीय विधायक सुदोय यादव कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार यह कानून लाकर किसान की जमीनों को हड़पना चाहती है, जिससे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा सके। अरवल जिले के कलेर SGS कॉलेज में स्नातक तृतीय वर्ष के भूगोल की परीक्षा छूटने पर छात्रों ने हंगामा किया, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी यूनुस सलीम ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत किया। वहीं छात्रों का कहना है कि भूगोल विषय की परीक्षा की तिथि में बदलाव के कारण छात्रों की परीक्षा छूटी है। जहानाबाद जिले के वरीय पदाधिकारी प्रेम सिंह मीना द्वारा जिले के विकास गतिविधियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने 7 निश्चय योजना, हर घर नल का जल सहित अन्य सरकारी योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के बारे में भी पूछताछ की। अरवल जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी ने कलेर ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं द्वारा चल रहे कार्यों का जायजा लिया। तो वहीं डीलरों से राशन वितरण प्रणाली के बारे में पूछताछ की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अरवल DM लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। मसौड़ी के मंझौली गांव के निवासी छेदी यादव के खलिहान में बुधवार को आग लग गई। देखते ही देखते पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। हालांकि गांव वालों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक पूरा खलिहान खाक हो चुका था। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 1,00,000 की फसलों का नुकसान हुआ है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड सभागार में जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में वरीय पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे सरकारी योजनाओं सहित अन्य विकास के कार्यों का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।